झारखंड चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सोनिया, राहुल समेत 40 नाम, प्रियंका का नाम गायब। यूपी में प्रियंका गांधी से नाराज कांग्रेसी नेता, अब सोनिया गांधी से करेंगे शिकायत। मिर्जापुर में आरएसएस का झंडा हटाने पर डिप्टी चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज, दिया इस्तीफा। लखनऊ में 10 साल की मासूम को उतारा मौत के घाट, शव को झाड़ियों में फेंका। लता मंगेशकर की हालत स्थिर, सेहत में हो रहा है धीरे धीरे सुधार। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अपने प्रयासों को लेकर आलोचना के बाद कांग्रेस ने झारखंड में नवंबर के अंत में होने वाले चुनावों में बड़े स्तर पर प्रचार का फैसला किया है। पार्टी ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। पार्टी हरियाणा महाराष्ट्र के मनोबल बढ़ाने वाले नतीजों के बाद अपने को चुनावों के लिए मजबूत कर रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर हाल में संपन्न हुए चुनावों के दौरान पर्याप्त रूप से कोशिश नहीं करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है। इसने चुनावों की तैयारियों के लिए अपने नेताओं की एक बैठक शनिवार को बुलाई है। झारखंड में 30 नवंबर से 5 चरणों में मतदान होना है। कांग्रेस राज्य में विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के साथ गठबंधन में लड़ रही है। यूपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस नेताओं का एक गुट नाराज है। उन्हें लगता है कि पार्टी में होते हुए भी उनकी कोई पूछ नहीं रह गई है। ऐसे नेताओं ने अब सोनिया गांधी से मिलने का फैसला किया है। उनसे मिलकर वे अपने मन की बात करेंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष सिंह के लखनऊ स्थित घर पर हुई बैठक में ये फैसला हुआ। कहा जा रहा है कि प्रियंका के पार्टी संभालने के बाद से ही ऐसा होने लगा है। प्रियंका को सबसे पहले महासचिव बना कर पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हटने के बाद उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश का काम दिया गया। फिर प्रियंका ने पूरी टीम ही बदल डाली। मिर्जापुर के बरकच्छा स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजीव गांधी साउथ कैंपस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का झंडा हटाए जाने के मामले में डिप्टी चीफ प्रॉक्टर किरण दामले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। किरण दामले को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देहात कोतवाली निरीक्षक ने कहा कि धाराएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी है। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 10 साल की मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची की इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या से नाराज परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया, साथ ही पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि बच्ची कई दिनों से लापता थी, जिसके बाद झाड़ियों में इसका शव पाया गया। इस पूरे मामले के बाद SSP कलानिधि नेथानी तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर हत्यारों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बॉलीवुड की दिग्गज पार्श्व गायिका लता मंगेशकर सीने में संक्रमण के कारण अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये जानकारी उनके परिवार ने दी। गायिका को सोमवार तड़के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिवार ने गुरुवार को कहा, लता दी की हालत स्थिर है, वो पहले से बेहतर हैं। उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। प्रार्थना करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनके पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें घर ले जा सकें। हमारे साथ खड़े रहने के लिए, हमारी निजता को बनाए रखने के लिए शुक्रिया। इस बीच सूत्रों से पता चला कि लता मंगेशकर को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है और ऐसे में उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ सकता है। इस सब के बीच करीबी लोगों का ब्रिज कैंडी अस्पताल में जाकर लता मंगेशकर का हाल चाल जानने का सिलसिला जारी है।